हेलो गाइस, वंस अगेन बैक। आप सबका फिर से स्वागत है एक और एपिसोड में। तो कुछ बात करते हैं कि वर्क, जहाज, शिप, रिग, प्लेटफॉर्म में काम क्या होता है। इसके पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं जो थोड़ा बहुत जो मेरा अपना जो बेसिक वर्क था पहले दिन का, उसके बारे में मैंने बताया है। लेकिन फर्स्ट डे तो मैं समझ गया कि भाई मुझे नाइट शिफ्ट जॉब मिला था, तो शिप के अंदर जितना भी मटेरियल कीपिंग, कंट्रोलिंग जो भी था वो मेरे हेड पे था। और सुबह 6 बजे मुझे साइन अप करना था, और साइन अप का रोल ये था कि आपको जॉब खत्म करने से पहले आपका जो आपका रिप्लेसमेंट आएगा उसको आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है उसको टेक ओवर करने के बाद ही आप अपना शिफ्ट जो है वो खत्म कर सकते हो। जब तक वो नहीं आएगा तब तक अपना वो काम नहीं बंद कर सकते, क्योंकि ड्यूटी फिक्स है, 12 घंटे का जॉब है। अगर कुछ एडिशनल काम हो गया, ज्यादा ही वर्क हार्ड है, तो 1 से 2 घंटा और एक्स्ट्रा करना पड़ता था। तो नाइट शिफ्ट, अभी मैं ऑलरेडी ऑनशोर में वगैरह में काम कर चुका हूँ, लेकिन शिप, प्लेटफॉर्म, रिग में जो भी ऑफशोर का जो नाइट शिफ्ट है वो काफ़ी अलग है। काफ़ी -degree टेम्परेचर होता है, ऊपर से हवा तेज चलता है वो अलग, कभी कभी तूफानी हवा भी तेज चलता है, आगे पीछे से कभी कभी पानी का जो वेव्स है वो, मतलब हवा पानी जो है वो समुंदर का वो तूफान के साथ उठ के आता है, तो आपको हर जगह से कंटेनर में लगता था मुझे पानी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। अब जो मेन काम है वो क्या है, ऑफशोर रिग प्लेटफॉर्म में ऐसा क्या होता है कि ज़्यादातर अभी बहुत लोग उस पर फोकस कर रहे हैं। एक टाइम था कि लोग कम जाते थे जो एक्सपीरियंस थे, या फिर 30+ के बाद ज़्यादातर जाते थे। फ्रेशर वगैरह जो थे वो सेलिंग वगैरह में करते थे, लेकिन रिग प्लेटफॉर्म जैसे शिप पे अभी काफ़ी फोकस हो चुका है। पहले बहुत अवेयरनेस था क्या काम है, क्या काम है, कैसा काम है, क्या करना चाहिए, क्या हमें कितना कॉस्ट है, एजुकेशन क्या है। एजेंट वगैरह के फ्रॉड के चक्कर में लोग फंस जाते थे, वो लोग बड़ा बड़ा सपने दिखाते थे कि और आपसे लाखों रुपए ठगते थे। अभी वो सब नहीं है, अभी भी लोग आ जाते हैं, लेकिन अब जो फंसता है वो खुद बेवकूफ़ है। मैं ओपनली कह रहा हूँ, अभी जो इस सब चीज़ों में जो फंस रहा है पैसा डाल के, वो बेवकूफ़ है। इतना सोशल मीडिया में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है इस सब चीज़ों में ज्वाइन करने के लिए, तो पैसे कोई भी एजेंट को ना दे। यही मैं सलाह, जो मेरा रिक्वेस्ट है वही आप लोगों जो भी वॉच करोगे या फ्यूचर में जो भी ये बंदा वॉच करेगा उसके रिलेटेड, ऑफशोर रिग प्लेटफॉर्म जहाज में जाने के लिए आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये अब प्लेटफॉर्म का एग्जैक्ट काम क्या होता है, जिस तरह जमीन पे गल्फ कंट्री में आपने सुना ही होगा ना, यहाँ तेल के कुएं होते हैं, उसी तरह ऑफशोर में भी जमीन के नीचे क्रूड ऑयल होता है। उस क्रूड ऑयल को निकालने के लिए एक प्रोसेस होता है, पहले एक रिग आएगा उस शिप के उस लोकेशन में जहाँ पर भी क्रूड ऑयल पाया गया है, वहाँ पर वो ड्रिल करेगा, फिर वहाँ पर एक छोटा सा पाइप डालेगा, उस पाइप को ऊपर डाल के वो उसे ब्लॉक करेगा। अब पाइप तो डाल दिया, रिग तो बैठ गया। अब रिग का मेन जॉब क्या है कि उसके ऊपर 3-4 और साइड में और भी होल करेगा, ताकि अगर एक लाइन बंद हो गया तो दूसरी जगह और भी उससे ऑयल निकल सके। अगर वहाँ पर नहीं है तो फिर और लोकेशन को रिलोकेट करेगा, जहाँ जहाँ पर ये ऑयल निकला है वहाँ पर फिर से ड्रिल करेगा, फिर वहाँ फिर से पाइप डालेगा। ये रिग का काम है, रिग का काम यहाँ ख़त्म होता है। उसके बाद हुकअप, बार्ज हुकअप, मतलब जो प्लेटफॉर्म जो जमीन पर ऑनशोर में बना जाता है, इस प्लेटफॉर्म का मेन काम है कि जहाँ पर ड्रिल किया गया है वहाँ पर ये जाके बैठेगा। वहाँ पर इसका जो भी चारों टांगे हैं, लेग्स जिसे कहते हैं, पहले वो जमीन पर गाड़ा जाएंगे। काफ़ी शोर था यार, ऐसा लगता था बहुत हैमरिंग का साउंड आता था। जब भी इसका हैमरिंग का साउंड आता है जब जमीन पर गड़ता है ना, तो 2-3 दिन तो नींद ही नहीं आता, पूरा का पूरा सीपी हिल जाता है। फिर उसके बाद जब लैग जो गड़ जाता है, फिर प्लेटफॉर्म आता है। अब प्लेटफॉर्म हुकअप के 2 टाइप्स है, मैं डीपली तो नहीं बताऊंगा अभी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ। एक समुंदर के साथ लहरों के साथ एक जैक होता है, और जैक धीरे धीरे उतरता है तो वो बैठ जाता है। दूसरा होता है कि क्रेन से, शिप पर एक मोबाइल क्रेन होता है, उस क्रेन से उठाकर उस प्लेटफॉर्म में रखा जाता है। उसके बाद वो लेग ज्वाइन होता है और वहाँ पर वेल्डर्स जाके उसे वेल्डिंग करते हैं ताकि उसे और स्ट्रांग कर सके। फिर आगे और भी बहुत सारे प्रोसीजर्स थे, वो मैं बातें बताऊँगा।
तो प्लेटफॉर्म का काम हो गया। फिर उसके बाद उसमें से जो भी प्रोसेस है, वो क्रूड ऑयल का जो भी लाइनिंग है वो सारा ज्वाइन किया जाएगा। उसी प्रोसेस के लिए जितना भी ये प्लेटफॉर्म है, सारा का सारा ऑफशोर जो भी है, वो सारा का सारा इसी के बेस पे, जो मेन सोर्स है क्रूड ऑयल, उस चीज को निकाल के प्लेटफॉर्म में, प्लेटफॉर्म से वो ऑयल कंटेनर या फिर अगर कोई सबवे का लाइन जा रहा है तो वहां से वो पास करेगा, नहीं तो फिर ऑयल कंटेनर में उसे फिल करके उस क्रूड ऑयल को ऑनशोर में लेके जाएगा, फिर वहां से उस चीज को अलग अलग किया जाएगा। क्रूड ऑयल से काफी कुछ निकलता है, मटेरियल्स बहुत है, मेडिकल की चीज में भी उसे हेल्प होता है क्योंकि वो बहुत पावरफुल रहता है। फिर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन गैस, काफी H2S केमिकल गैस भी है, कुकिंग गैस वगैरह, बहुत सारे कई तरह के पार्टिकल्स जो भी है वो इसी क्रूड ऑयल से निकलते हैं। फिर यहाँ तक होने के बाद इसका और भी प्रोसेस है, उसका मेंटेनेंस के लिए फिर काफी काम, ये जो वर्क है ना एक लाइफ टाइम, ये कभी खत्म नहीं होता। जिस दिन अगर ये इसका जहां पर से जो मेन सोर्स है वहां से तेल निकलना बंद हो गया तो ये प्लांट जो है वो शट डाउन हो जाएगा, लेकिन फिर भी रिस्क ना हो इसीलिए मेंटेनेंस के लिए उसे थोड़ा बहुत जो काम है वगैरह कि भाई यहाँ पर रिस्क हजार्ड्स ज़्यादा है तो देखभाल थोड़ा बहुत काम करने के लिए मेंटेनेंस चलता रहता है। लेकिन अगर क्रूड ऑयल का सोर्स बंद हो गया तो फिर वो धीरे क्या होता है, उस लाइन को शटडाउन कर दिया जाता है, रिग और जो प्लेटफॉर्म है वो वहाँ का वहीं बैठा रहेगा, प्लेटफॉर्म को वो लोग नहीं हटाते, प्लेटफॉर्म वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें और भी आगे काम होगा। अगर फ्यूचर में ज़्यादा और भी क्रूड ऑयल निकलने के चांसेस है तो फिर से उस एरिया में ड्रिल करके फिर से वही प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे। तो ये एक बेसिक है, रूट है, जो एक्चुअल वर्क होता है जितने भी ऑफशोर फील्ड में, यही वर्क है। ड्रिल करो, तेल निकालो, प्लेटफॉर्म में डालो, वहाँ का पूरा प्रोसेस है, उस प्लेटफॉर्म से निकाल के जहाज में भेजो, जहाज फिर ऑनशोर में जाएगा, वहाँ पर फैक्ट्री रिफाइनरी कंपनीज काफ़ी है, उसे अलग अलग करेंगे, फिर जो भी गवर्नमेंट का जो भी रेट वगैरह टैक्स है वो सब कैलकुलेशन करने के बाद जो मार्केट में पेट्रोल डीजल का जो मिलता है वो सिर्फ इंडिया जो है वो अब्रॉड से नहीं मंगाता, लाइक ईरान, इराक, गल्फ कंट्री से सिर्फ नहीं आता, ऑफशोर से भी आता है, काफ़ी क्रूड ऑयल ऑफशोर से भी निकलता है। तो ये एक्चुअल प्रोसेस है और इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जो कंपनीज है, जो गवर्नमेंट्स है, जितने भी प्रोजेक्ट है बहुत हाई चार्ज करता है, ये रिस्क काम है और इसमें बेनिफिट ज़्यादा है, गवर्नमेंट को बेनिफिट ज़्यादा है। तो ये मेरा एक्चुअल जॉब था। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि मेरे साथ और क्या क्या हादसे होते हैं सिप के अंदर, जो मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने झेला था, फिर वहाँ मैं कितना टाइम तक मैंने काम किया और मुझे क्या क्या करना पड़ा, कैसा कैसा प्रोसेस था, वो मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, टेक केयर।